तकदीर पर ईमान रखें। कुछ नुकसान हो गया, कोई चीज़ महंगी खरीद के लाई टूट गई ख़राब हो गई, कोई चीज़ आदमी अचानक एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी नुकसान हो गया, जॉब तो अचानक चला गया, अब एक आदमी परेशान हो जाता है, अचानक हालत जो पैदा हुई उससे डील नहीं कर पाता है। एक आदमी तकदीर पर ईमान रखे, ये भी उसको सुकून देता है। बाज़ वक़्त एक आदमी मिसाल के तौर पर ड्राइवर है, गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट हो गया, घर के लोग उस एक्सीडेंट में मारे गए, ये जिंदा है, ये जिंदगी भर सोचता काश के मैं इधर से गाड़ी लेता, काश के मैं ऐसा करता, इसकी ज़िंदगी मुसीबत बन जाती है उसके लिए इन ख्यालात के नतीजे में। लेकिन अगर वो सोचे तकदीर में था, होने वाला था, हो गया, जिसका वक्त था वो तय था, ऐसा ही होना था, ये उसके लिए सुकून का ज़रिया बनता है। इसीलिए बहुत सारे डॉक्टर्स जो तकदीर को नहीं मानते हैं, ऐसे पेशेंट्स के लिए यही बताते हैं, ये होना ही था, ऐसा ही होना था। जब आदमी ऐसा सोचता है कि हम इसको चेंज नहीं कर सकते थे, अल्लाह ने तकदीर में लिखा है हम बीमार पड़ेंगे, ऐसा होगा, नुकसान होगा, अल्लाह ने ऐसा तय किया, होगा, अल्लाह जो चाहता है होता है, ये जो चीज़ है आदमी को सुकून देती है। तो तकदीर का अकीदा भी आदमी को सुकून देता है। ईमान वाला मिसाल के तौर पर एक गाड़ी आदमी चलाने लगे, सोचे अगर गाड़ी चला रहा हूँ सामने से गाड़ी आई तो, और अगर उसका ब्रेक फेल हो गया तो ठीक है, मेरा नहीं हुआ उसका हुआ तो, और मेरा एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी कोई चलाएगा आदमी नहीं, अगर मैं चलने लगा अंधेरे में पाँव फिसला तो गिर गया तो सर को चोट लगी तो आदमी कैसा जिएगा आदमी। तकदीर का अकीदा क्या सिखाता है, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا। ऐ नबी आप बोलो लोगों को, बताओ उनको, لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا, हमको पहुंचेगी तकलीफ तो वही पहुंचेगी जो अल्लाह ने हमारे लिए लिखी है, जो पहुंचना है पहुंचेगा, नहीं पहुंचना है नहीं पहुंचेगा, चलो चलाओ गाड़ी, कुछ नहीं होता, जो अल्लाह ने चाहा वही होगा, अगर तकलीफ आनी होगी आएगी, नहीं आनी होगी, कितना भी कोई कुछ करे कुछ नहीं होने वाला है। ये जो फीलिंग होती है आदमी को दुनिया में प्रॉब्लम्स डील करने में आसानी पैदा करती है। हाँ, ये बेअमली के लिए नहीं है, काम पे नहीं जा रहा आएगा खाना मेरे पास, ये इसके लिए नहीं है, दुनिया में आदमी को आगे कदम बढ़ाने के लिए, बैठने के लिए नहीं, आगे चलने के लिए रुकावटें दिखाई देती हैं, प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं, डर दिखाई देता है। तकदीर का अकीदा उसको सिखाता है तो कदम उठा, जो होना है होगा, खामखा का टेंशन मत ले। तकदीर का अकीदा आदमी में हिम्मत और सुकून पैदा करता है। आप देखिए मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला फरमाता है, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्द वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताब मिन क़ब्ल अन नबरअहा, जो भी तकलीफ तुमको पहुंचती है, मुसीबत तुमको पहुंचती है ज़मीन में, तुम्हारी अपनी जान में, बीमारी परेशानी जो भी नुकसान हो, इल्ला फी किताब मिन क़ब्ल अन नबरअहा, उसके दुनिया में पैदा करने से पहले उस तकलीफ को हमें किताब में लिख चुके हैं। इन ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, आदमी पूछा ऐसा कैसा, होने के पहले कैसे लिखा, इन ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ, अल्लाह पर यह आसान है, तुम्हारे लिए फ्यूचर देखना पॉसिबल नहीं है, अल्लाह के लिए पास्ट फ्यूचर का कोई लिमिटेशंस नहीं है, इन ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ। क्यों ये तकदीर का अकीदा रखना है कि जो कुछ होने वाला है वो लिखा जा चुका है पहले ही से, और हमको वही तकलीफ पहुंचेगी जो हमारी तकदीर में है। अल्लाह ताला फरमाता है, لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, ये इसलिए मानना है कि तुमको अगर कोई तकलीफ पहुंचे, तुमसे कुछ खो जाए, तो तुम उस पर अफसोस करते न रहो, और जो चीज तुमको मिली है तुम उस पर इतराने न लगो, ये तुमको इसलिए मानना है, जो अल्लाह ताला की तरफ जो होता है अल्लाह की तरफ से होता है, क्यों मानना है तुमको, इसलिए मानना है ताकि तुम्हारे अंदर अगर तुमसे कुछ खो गया, मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, ऐसा नहीं करता तो ऐसा होता, ऐसा करने में दूसरी भी बस गई, ऐसा अगर कूद के पकड़ लेता ट्रेन तो अच्छा होता, पहले ही से रेडी होता तो अच्छा होता, बैग ऐसा रखता तो अच्छा होता, ये करने में ट्रेन आई दूसरी भी निकल जाती है। तो एक आदमी ऐसा वैसा करने में अपने आप को परेशान करता है, लेकिन तकदीर का अकीदा हो नुकसान होगा, कितने का हो गया, 20 लाख का होगा, ठीक है तकदीर में दुख तो होता है, लेकिन तकदीर में था होना था, मैंने अपनी ताकत पूरी लगाई, फिर भी नुकसान होने वाला था, अब क्या, छोड़ो निकलो आगे, रोने से वो आता आंसू में से डॉलर गिरना शुरू होते हैं, नहीं, जो नुकसान हो चुका है हो चुका है, जो नुकसान होने पर अफसोस करना दूसरी मुसीबत है। अल्लाह हमको ये सिखाता है, इस्लाम हमको ये सिखाता है कि तुमको तकदीर का अकीदा इसलिए रखना है, आदमी देखिए रिस्पॉन्सिबल किसी न किसी को ठहराएगा, दुनिया में क्या होता है,
तेरी वजह से सब ऐसा हुआ। कभी किसी दूसरे को, कभी अपने आप को, ये ऐसा होता तो वैसा होता, इस चीज़ की वजह से हुआ। अगर मैं ट्रेन का टिकट जल्दी मिल जाता, ट्रेन जल्दी मिल जाती तो ऐसा नहीं होता। आदमी अक्सर ऐसा सोचता है, किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबल आदमी बनाना चाहता है। अल्लाह ने बताया ऐसा मत करो, तुमको जो तकलीफ पहुंची अल्लाह की तरफ से आई है, तुम ये मानो। क्यों? लिखा इलाता असव अला मा फातको, जो तुमसे खो गया तुम उस पर अफसोस करते न रहो, इसके लिए तुमको कहा जा रहा है। और वला तफरहु बिमा आताकुम, और तुमने जो कुछ पाया ये भी ना हो जाए कि तुम्हारे अंदर इतराओ तुम कि ये मेरा है, मैंने इतना स्ट्रगल किया हूं तो मैंने पाया। नहीं, अल्लाह ने चाहा दिया, वरना बहुत सारे स्ट्रगल करने वाले फाइल लेके घूम रहे हैं, अपना बायोडाटा रिज्यूमे लेके घूम रहे हैं। बहुत सारे लोग उसी जगह पर उसी डेस्क पर हैं, प्रमोशन नहीं हो रही, इसकी हो गई, उससे कम पढ़ा लिखा है। तो अल्लाह ताला दुनिया में किसी के लिए भी कुछ भी आसान कर देता है, ये अल्लाह की तरफ से होता है। बंदे की कोशिश होती है लेकिन अल्टीमेट उसकी कोशिश नहीं है। अगर सिर्फ कोशिश पर होता तो किसी की भी कोशिश वेस्ट नहीं होती, और कोई आदमी उसको बगैर कोशिश के मिलता ही नहीं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको कोशिश नहीं लेकिन मिला, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोशिश की नहीं मिला। कोशिश से होता है, लेकिन वही सिर्फ एक चीज़ नहीं जिससे मिलता है।